नमस्कार साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा है। मेरा वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा है और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां पर लर्न भी कर रहे हैं और अर्न भी कर रहे हैं। आज हम जानेंगे IGL स्टॉक के बारे में। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, अ मस्ट हैव स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। अगर आप अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो ये आपके स्टॉक में बहुत जरूरी है कि आपके पास ये हो। हम इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देंगे आपको और फिर पता करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं इस स्टॉक के बारे में। चलिए सबसे पहले इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का स्थापना जो हुई थी वो 1998 में हुई थी और इसको गेल से अलग कर दिया गया था डेली NCR रीजन के इम्प्रूवमेंट के लिए। NCR रीजन में डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल पर्पस के लिए IGL की स्थापना की गई थी, क्योंकि आपको पता ही है NCR में कितना दिल्ली का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था करीब 1998 से 2004 तक। तो उसके चलते हुए इन्होंने, गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाले कि पेट्रोल और डीजल से व्हीकल बंद हो जाएंगे जो कमर्शियल व्हीकल हैं और बसेस ट्रक्स, और उनको उन्होंने CNG पे कन्वर्ट किया इंक्लूडिंग ऑटोज एज वेल। तो अभी इनका जो हाई लेवल पॉल्यूशन है वो काफी कम हो गया। अगर आपको याद हो 2000 में अगर आप कभी बाहर निकलें तो आप जब घर पे वापस आएंगे तो आपका फेस ब्लैक हो जाएगा और आपको टॉवल से अगर क्लीन करेंगे तो बगैर वॉश किए तो टॉवल भी ब्लैक हो जाएगा। अब थोड़ा CNG के बारे में बात करते हैं। कंप्रेस नेचुरल गैस जो है वो काफी एफिशिएंट है कंपेयर टू आपके पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में, बिकॉज ऑफ हाई क्वांटिटी ऑफ मीथेन। उसमें हाइड्रोकार्बन की बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है जिसकी वजह से रेजिडुअल पॉल्यूशन कम होता है। तो इसके चलते हुए CNG को बहुत अच्छा माना गया एनवायरमेंट के रेफरेंस में और इससे बहुत एडवांटेज मिले सभी जगह पर, इससे पॉल्यूशन लेवल कम हुआ है। अब हम आगे चलकर बात करते हैं, पहले जरा अपने दर्शकों को स्वागत कर ले। जो दर्शक नए हैं हम उनका स्वागत करते हैं। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर आपको मोटिवेशनल वीडियो मिलेंगे, उसके साथ में स्टॉक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो हम डेली अपडेट करते हैं और आपको निफ्टी का एंड ऑफ द डे समरी भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर एजुकेशन वीडियो भी आपको मिलते हैं, तो आपको जो जरूरत हो आप रिक्वेस्ट बॉक्स में डालिएगा, हम वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पास करेंगे। अब चलकर जरा हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देख लिया जाए। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट का एक बार व्यू देखें तो ये अपवर्ड चैनल में था शुरू, कोविड शुरू होने से पहले 2020 तक ये बहुत अच्छा चैनल मूव कर रहा था। अगर आप लो देखें तो इसने लो करीब 220-230 का आसपास का लो बनाया और उसके बाद से ऊपर चलता चला गया 500 तक लेवल गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया है, करीब करीब 14-15 महीने में डबल हो चुका है। और उसके बाद में जैसा आपको पता है कोविड के चलते हुए सारे स्टॉक थोड़े नर्म हो गए हैं। इसने भी अपना लो करीब 290-280 के आसपास लो बनाया पर उसने फिर बहुत शानदार रिकवरी दिखाई है और अभी थोड़ा सा ये रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो अभी हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए इस स्टॉक के बारे में, अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है या लॉन्ग टर्म व्यू है, ये सब हम आपको बताएंगे कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, कितने लेवल परचेस करना है, सारी डिटेल आपको मिलेगी इस वीडियो में। अब अगर हम इसको दूसरा एंगल से देखते हैं, अगर आप इसी चार्ट का फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकालें जो इसका पीक था उससे जो उसने मिनिमल बनाया है कहां पर अभी आके रुका हुआ है, तो अगर आप देखिए अभी तो 50% के आसपास है ये। यहाँ पर हो सकता है ये थोड़ा नीचे जाए और 382 तक लेवल तक पहुंच सके जो कि उसका 38% रिट्रेसमेंट था। आप समझिए इस बात को, ये जब इसने ब्रेकआउट दिया अपना 62% को तो काफी टाइम तक उसने वहां पे समय व्यतीत किया, उसके बाद ये वापस 38 तक आने की उम्मीद है इसकी और यहां से फिर हो सकता है ये अपवर्ड मूवमेंट जर्नी करे। तो एक हेल्दी साइन होता है स्टॉक का रिट्रेस करने के लिए। हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे आगे आप क्या कर सकते हैं स्टॉक के बारे में। उससे पहले हम जरा देख लें कि फ्राइडे को बाजार ने कैसा कारोबार किया, क्योंकि स्टॉक का डिपेंडेंसी बाजार पर भी होता है। तो अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने करीब 1:30 बजे तक न्यूट्रल जोन बना के रखा, नेगेटिव प्रेशर था उसके ऊपर और उसके बाद से उसने एकदम शॉर्ट कवरिंग आई जो कि एक बार 2-3 मिनट के लिए वो पॉजिटिव ग्रीन तक भी चली गई थी। इसके बाद इसने थोड़ा डाउनवर्ड मोमेंट दिखाया और 21 पॉइंट बंद होकर कारोबार किया। वहीं पे बैंक निफ्टी जो हमारी ज्यादा बड़ी है उसने दिन भर नेगेटिव व्यू दिखाया और 1:30 बजे के आसपास भी उसमें कोई ज्यादा अच्छी खासी रिकवरी नहीं आई, उसने अपने डे के हाई को भी नहीं छुआ, ग्रीन में जाना तो दूर की बात है, और उसने 421 पॉइंट पर कारोबार बंद किया नेगेटिव में। अब आप देखिए यहाँ पर जो उसके ज्यादातर स्टॉक है वो सारे के सारे 2-3% के बीच में बंद है, टॉप 5 स्टॉक्स। तो जिस दिन ऐसा दिन रहता है कि ज्यादातर स्टॉक नेगेटिव रहते हैं तो बैंक निफ्टी का कारोबार थोड़ा करना मुश्किल होता है, वो नेगेटिव भी रहता है। हम लोग पेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर इंट्राडे ट्रेड की दी जाती है इन्फॉर्मेशन।
टारगेट बताए जाएंगे, लेवल्स बताए जाएंगे, सपोर्ट बताया जाएगा कहाँ पे रहेगा, और उसके बेसिस पर ये फीस बेस्ड सर्विस है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना इंटरेस्ट जाहिर कीजिए, हम आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन भेज देंगे। आप हमें, हम अपना हफ्ते का व्यू बताते हैं। हमने पूरे हफ्ते में सिर्फ चार ट्रेड ली थी। निफ्टी की अगर बात करूं, फ्राइडे को हमने कोई ट्रेड नहीं ली क्योंकि हमारे इंडिकेटर्स दोनों डिफरेंट पैरामीटर बोल रहे थे। इसके चलते हुए ये भी अच्छा है, आप ना ट्रेड करें तो बेटर है, क्योंकि ना ट्रेड करना भी एक अच्छा ट्रेड माना जाता है जहां पे आप अपना प्रॉफिट रोक सकते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अब देखिए, अगर इसका डेली चार्ट पे इसने कोविड के बाद एक अच्छा अपवर्ड चैनल बनाया और उसके बाद में उस चैनल से बाहर निकल के थोड़ा कंसोलिडेशन किया है, उसको हम देखेंगे जरा और बताएंगे आपको कि आप क्या कर सकते हैं इस स्टॉक के चलते हुए। उससे पहले जरा हम देख ले IGL के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन। ये इसकी जो मार्केट कैप है वो 28,000 करोड़ की है, एक का लॉट है, आप चाहें तो सिर्फ एक शेयर खरीद सकते हैं इसका, और आपका जो इसका फेस वैल्यू है वो 2 रुपए का है, तो 2 रुपए का शेयर करीब 400 रुपए के आसपास है। और अगर आप इसकी डिविडेंड की बात करें तो 140% डिविडेंड है। डिविडेंड ये इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि कम डिविडेंड देती है कंपनी, पर ग्रोथ के हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आप ग्रोथ के हिसाब से देख रहे हैं तो आप इस कंपनी को जरूर अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन दबाइए, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। अब जरा हम दूसरा व्यू देखते हैं इसका। एक सुपर ट्रेंड करके इंडिकेटर होता है, अगर आप नहीं यूज किया तो आप इसको यूज कीजिए, हम रिकमेंड करते हैं इसको, काफी अच्छा पैरामीटर होता है। आपको कैसे यूज करना है वो हम सब बता देंगे, पर ये एक अच्छा इंडिकेटर है जिसके तरह से आप डेली में देखेंगे तो आपको पैटर्न पता लग जाएगा। तो अभी आप देखिए, यहाँ पर इसने सुपर ट्रेंड ने एक सेल सिग्नल दिया था यहाँ पर 440 के आसपास, और उसके बाद से थोड़ा सा ये प्रेशर में है, पर कंसोलिडेशन जोन कहेंगे यहाँ पे, अच्छा हेल्दी कंसोलिडेशन हो रहा है जिसकी वजह से हो सकता है आप वो मूव की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर अगर मार्केट अप चलता है तो ये भी बहुत अच्छे से आप मूव करेगा। वहीं पे अगर एक दूसरा इंडिकेटर होता है मूविंग एवरेज, अगर आप दो मूविंग एवरेज को निकाल के रखें तो छोटे ने बड़े को नीचे रखा हुआ है, छोटा मूविंग एवरेज नीचे है तो थोड़ा सा प्रेशर नीचे की तरफ है। पर जैसा मैंने बताया, ये जोन बहुत अच्छा कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पे हो सकता है कि काफी अच्छी डिमांड है जिसकी वजह से ये ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है यहाँ से। अब यही व्यू अगर हम आप कंसोलिडेशन जोन की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आप इस जोन का वॉल्यूम का एनालिसिस कीजिए। यहाँ पे वॉल्यूम कहाँ पे सबसे ज्यादा है, वॉल्यूम है इस बार में सबसे ज्यादा, जिसमें एक इनडिसिसिव बार बनी है ना। यहाँ पर अपवल पे सप्लाई मिली, ज्यादा सप्लाई थी, और यहाँ पे डाउन में भी ज्यादा डिमांड थी। इसके अलावा ऑन एवरेज नॉर्मल वॉल्यूम कर रहा है यहाँ पर, और जब ये गिरना शुरू हुआ तो एक दिन थोड़ा सा यहाँ पे स्पाइक भी आया था गिरते टाइम पे, क्योंकि वो उसने अपने इस सपोर्ट को छोड़ा था तो काफी लोग टेक्निकल बेसिस पे उसको एग्जिट किए होंगे यहाँ पर। तो ये स्टॉक जो हमारे हिसाब से जो बॉक्स हमने बनाया है करीब 380 से लेके 516 तक का जोन, ये कंसोलिडेशन जोन इसको कहेंगे। अभी अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ से हो सकता है कंसोलिडेट करके यहाँ से बाउंस बैक करने की तैयारी करें। अब आपको करना क्या है, अगर आपके पास ये स्टॉक पोर्टफोलियो में नहीं है तो हम आपको बताते हैं। उससे पहले जरा PNG के बारे में बात कर ली जाए। PNG जो है पाइप्ड नेचुरल गैस, आपके घरों में अगर आप दिल्ली NCR रीजन में है तो आपके घरों में IGL प्रोवाइड करता है गैस की सुविधा, आपको सिलेंडर घर पे ले जाने की जरूरत नहीं है। इसको आप कनेक्शन मीटर चालू कीजिए और जितना आपका यूज है उसके यूज पर पे पर यूज आप उसको करते रह सकते हैं, यूज जितना चाहिए। इसमें भी ज्यादा हाइड्रोकार्बन है तो ये आपके लिए सेफ है, और क्योंकि कंपनी के द्वारा कोई ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं लगते हैं तो इकोनॉमिकल भी है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और इकोनॉमी फ्रेंडली भी है। जैसा आपको पता ही है, इनके काफी सारे पेट्रोल पंप हैं, इनके काफी सारे घरों में PNG प्रोवाइड करते हैं और ये बाहर CNG प्रोवाइड करते हैं, और कमर्शियल इंडस्ट्रियल यूजेज में इनकी गैस का प्रोडक्शन होता है। तो वो बहुत अच्छा इनका बिजनेस मॉडल है जिसकी वजह से चारों तरफ से इनको व्यू इंक्रीज रहता है। अगर आप इनकी विजन बात करें तो ये क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का विजन है इनका, इंडिया की लीडिंग और इनोवेटिव कंपनी बनना चाहते हैं, जो कि इनके इन्वेस्टमेंट से क्लियरली नजर आ रहा है कि इन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट किया अपना इनोवेशन टेक्नोलॉजी में और अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है, सिर्फ CNG पे ही नहीं, अब इनका PNG में भी काफी अच्छा रेवेन्यू आने लगा है। और ये CSR पॉलिसी में भी अच्छे करते हैं, अपनी सोसाइटी को वापस देते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट को अपने एम्प्लॉय को लेके जाते हैं, वो स्टूडेंट को एजुकेशन कराते हैं गरीब फैमिली के। तो अब हम जरा चलकर यहाँ पे बात करते हैं कि इसका आपको करना क्या है, कितने लेवल पर आप बाय कीजिए और कितने लेवल पर आप सेल कीजिए। अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखें, कुछ लोग इसमें इंट्राडे भी चार्ट ट्रेडिंग करते हैं, तो देखिए क्योंकि निफ्टी नेगेटिव था शुरू के पोजीशन में तो ये भी नेगेटिव था, इसका डेली का एवरेज भी नेगेटिव बन रहा था, तो आप यहाँ पे नेगेटिव शॉर्ट कर सकते थे। अगर आपने किया होता तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल गया होता। कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट मत शॉर्ट कीजिएगा या बाय कीजिएगा, जैसा ट्रेंड है उसके हिसाब से आपको करना चाहिए। आपको तो मार्केट का ट्रेंड देखना है, तब उसके बाद आपको करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पर सीख भी रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। दोस्तों, अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा ताकि हम
इंप्रूव करते रहें, हम आगे आपके चैनल को इंप्रूव कराना चाहते हैं, जो आपकी फीडबैक हो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अब अगर हम यहाँ पे लेवल पे की बात की जाए कि कितने लेवल पर आप खरीद सकते हैं, कितने लेवल पर आप इसको बाय कर सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर हम आपको इसको वीकली व्यू दिखाते हैं, तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि क्या आपको बन रहा है यहाँ पर। तो हमारे हिसाब से 534 का जो है एक छोटा सा रेजिस्टेंस रहेगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मान के चले यहाँ पर, उससे पहले उसको 496 को क्रॉस करना है। जी हाँ, तो हमारे हिसाब से आप करंट मार्केट प्राइस से 380 के लेवल पे यहाँ पे अक्यूमुलेट कर सकते हैं। टेक्निकल लेवल पे भी ये सेम बन रहा है, और अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी देखें तो वो भी अच्छा बन रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन काफी अच्छा है। तो आप जैसा हम हमेशा बोलते हैं स्टैगर्ड मैनर में खरीदिए, 407 से 380 के जोन में आपको खरीदना है, और दूसरी क्वांटिटी आपको यहाँ पे रखनी है 340 के आसपास। जी हाँ, ये दो क्वांटिटी आप लेके रखिए, हो सकता है कभी ये 340 ना आए, पर आपके पास एटलीस्ट सेविंग इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जिसके चलते हुए अगर स्टॉक आपके अगेंस्ट चले तो आप थोड़ा सा वहाँ पे और एक्युमुलेट कर सके और आपकी एवरेज क्वांटिटी बन सके। तो 400 से लेकर 380 के बीच एक अच्छी बाइंग क्वांटिटी आप कर सकते हैं यहाँ पर, और कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पर सेकंड मैनर में दूसरे लेवल पर रख सकते हैं। अब अगर वहीं पे इसके टारगेट की बात की जाए, अगर आप शॉर्ट टर्म टारगेट देख रहे हैं 3 से 6 महीने के लिए, हमारी उम्मीद है कि 500 के आसपास जाना चाहिए, और अगर आप इसका लॉन्ग टर्म व्यू देख रहे हैं तो हम लोग इसका आपको रिकमेंड करेंगे कि 650 का इसका रिकमेंडेशन है। आपके पोर्टफोलियो में हमारे हिसाब से ये स्टॉक बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखेंगे तो 2 साल में हो सकता है ये 800 भी क्रॉस कर जाए। जी हाँ, जैसा इसका प्रीवियस पास्ट ट्रेंड है, जैसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, उसके चलते हुए सीएनजी को उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था, और ज्यादातर स्टेट्स में अभी हो गया है। अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली से आपको पता होगा कि गाजियाबाद में, हापुर में, मुजफ्फरनगर में, शामली में, मेरठ में, यहाँ पे सब जगह इन्होंने अपने स्टेशन लगाए हुए हैं। गुड़गांव में इन्होंने, रेवाड़ी में भी लगाए हुए हैं, हरियाणा में करनाल में लगाया हुआ है, अजमेर राजस्थान में लगाया हुआ है। तो इसके चलते उन्होंने काफी अच्छा एक्सपेंशन किया हुआ है। अगर आपको एक बार सपोज दिल्ली से आपको नैनीताल का ट्रिप लगाना है, तो अगर आप पेट्रोल से लेके जाएंगे तो हो सकता है आपको एक तरफ से जाने के लिए करीब करीब 2500 रुपए लगे पेट्रोल में, पर वहीं पे अगर आप सीएनजी लेंगे तो हो सकता है आपका 800 रुपए में काम हो जाए। तो पॉकेट फ्रेंडली भी बहुत है और एनवायरमेंट फ्रेंडली का ही, तो आपको एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना है, अपनी पॉकेट का भी ध्यान रखना है। इस वजह से इसकी डिमांड काफी ज्यादा है, और इसी वजह से इसने 1.5 साल में ही दुगना प्रॉफिट दिखाया था अपने स्टेक होल्डर को। वही हम उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा, मार्केट जब अप मूव करेगा तो ये आराम से 600-700 के आसपास आपको पहुंच जाना चाहिए 1 साल के अंदर। दोस्तों, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका आभारी हूँ। आपका प्रेम और स्नेह इसी तरह आता रहे तो हम आगे तरक्की करते रहेंगे आपके साथ में। आप भी पैसे कमाइए, और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें डालिएगा, हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़े। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में फीडबैक डालिएगा। धन्यवाद, बाय।